आप सभी को ये बातें पता भी होंगी और शायद आप ये बात जानते भी होंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हुए हैं। और इस शहादत को मैं दुर्गेश जायसवाल दिल से नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उन सभी शहीद और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उन्हें इस दुख से झेलने की एक अभूतपूर्व ताकत दे, जिससे वो इस दुख की घड़ी में खुद को झेल सके। क्योंकि इस तरह की बर्बरता, इस तरह की अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। जो हुआ ये निहायत ही निंदनीय है, क्योंकि इस तरह की हरकत जो हुई है ये आने वाले भविष्य के लिए एक इस प्रकार का संदेश देती है जो वर्तमान मानव जाति एवं उससे भी बड़ी जो बातें की जा सकती है वो कलंकित करती है कि आज मानव ने वो बर्बरता करके दिखाया जो शायद इतिहास के पन्नों में उस अक्षर से लिखे जाएंगे जिसका भविष्य कल्पना भी नहीं कर सकेगा। लेकिन अभी भी इस दुख की घड़ी में सबसे पहला ये बात उठती है कि इस समय हम सभी को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें पूरा देश इस गम में, यहाँ तक कि विश्व के बड़े बड़े लीडर या बड़े बड़े और जो बड़े देश हैं वो भी इस समय अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं और उनका गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है, व्हाट्सएप पर फूट रहा है। तो बस मैं एक छोटा सा सजेशन लेकर आया हूँ शायद उन शहीद परिवार के लिए जिन्होंने अपना बेटा, अपना पति, अपना भाई, अपना पिता खोया है। तो आपको पता है कि हम आप उनके परिवार को क्या दे सकते हैं, या हम आप मैंने कई दिन से देखा, हो सकता है मेरी बातें कुछ बुरी भी लगे और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कल से नहीं करते करते आज तक मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो बातें हैं दिल से जो आप तक पहुँचाने के लिए मैं पूरी तरह से बेचैन हो गया हूँ। तो मैं अपने दिल की बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम आप डीपी लगा रहे हैं, ब्लैक डीपी लगा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद चला रहे हैं, आपको पता है क्या इस तरह करने से, क्या इस तरह जिस तरह हम लोग आज चला रहे हैं, जिस तरह हम सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या इस तरह, क्या आप समझते हैं कि भविष्य में ऐसी बर्बरता नहीं होगी? ऐसा हम आप आज एक दिन के लिए करेंगे, दो दिन के लिए करेंगे, लेकिन जिनका परिवार जुड़ चुका है, जिनका परिवार जड़ चुका है, उनके दिल पर क्या गुजरेगा? हम अब दो दिन के लिए डीपी चेंज करेंगे, फिर हम अपने सामान्य जीवन की तरह जिएंगे, हमारे हल्ला शांत हो जाएंगे, हमारे कैंडल मार्च बंद हो जाएंगे, लेकिन उनके परिवार से पूछिए जिन्होंने अपना परिवार खोया है, जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना भाई खोया, उसका क्या होगा? हम आप आज थोड़े से प्रदर्शन करके अपने आप को सेल्फी लेके ये पोस्ट कर रहे हैं, ये जता रहे शोक जता रहे, वास्तव में शोक है, लेकिन क्या इस समय यह करना उचित है? उचित है, अपना गुस्सा दिखाना है हमें, अपने सड़कों पर दिखाना है, लेकिन हम अब दो दिन चार दिन के लिए दिखाएंगे, उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी क्या होगा? इस समय उनका परिवार वह गम झेल रहा होगा जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बेशक है हम दो चार दिन के लिए इस तरह चलाएंगे, हल्ला करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम शांत हो जाएंगे, अब अपनी जिंदगी नॉर्मल जाएगी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन उनका क्या होगा जिनके ऊपर गिरी, फिर कुछ दिन बाद फिर आतंकी आएंगे, फिर इस तरह की बर्बरता करके जाएंगे, तब फिर हम चार दिन के लिए इस तरह से उठ लेंगे, फिर शांत होंगे। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। आप ये नहीं सोचते इस घटना को कैसे लगाम लगाया जाए? क्या आपने कभी सोचा कि क्या इस घटना को रोका जा सकता है? क्या इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इस पर लगाम लगाया जा सकता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप भी कुछ कर सकते हैं। जिस तरह आप कैंडल मार्च निकाले, अच्छी बात है, हमें जताना चाहिए, हमें भी दुख है, हमारे देश के सैनिक खोए हैं, और साथ ही साथ डीपी ब्लैक लगाई, लेकिन क्या ये डीपी दो दिन चार दिन के लिए? क्या ये गुस्सा दो चार दिन के लिए? ये गुस्सा तब तक होना चाहिए जब तक ये बदला ना पूरा हो जाए। कुछ लोग ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा कि तुरंत अटैक कर देना चाहिए। आप बताइए अगर हम फिर तुरंत इस जवाब भी हमला करते हैं तो आपको पता है हमारे और जवान भी शहीद हो सकते हैं। इसलिए हमें स्वविवेक का इस्तेमाल कर रहा हूं, हमें नहीं हमारे देश के सैनिकों को, हम जवाब देंगे, तगड़ा जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक कूटनीति, एक जाल रचना होगा ताकि हम एक के बदले 1000 मार कर लाएं। आज अचानक से अगर हम करेंगे वो भी अलर्ट पे होंगे, वो भी तैयार, उन्हें भी पता होगा कि भारत रिएक्शन करेगा, और जब तुरंत रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है हमारे और शहादत को नमन करना पड़ जाए। इसके लिए अब क्या है, क्या करना चाहिए, क्या आपने कुछ सुलझाया? अगर आप उन शहीद के परिवार को मदद करना चाहते हैं, उससे भी घटिया हरकतें कर रहे, पता है इस समय फर्जी अकाउंट वायरल कर रहे हैं, शहीद खाते में पैसा डालिए, अगर इससे ज्यादा निश्चित हमारे यहाँ भरी पड़ी है, लोग फर्जी अकाउंट डाल रहे हैं कि मारे लोग उनके अकाउंट में पैसा डाले, तो इस तरह से अगर फर्जी अकाउंट आपके पास आते हैं कि शहीद के परिवार खाते में पैसा डाले, अब ऐसा ना करें। हाँ, शहीद की क्या आपको पता है, क्या आपने कभी किसी शहीद परिवार से मिले हैं?
आप उस दिन के लिए मिलते हैं जिस दिन घटना होती है। कभी एक साल दो साल बाद तीन साल बाद उनसे मिलिए, फिर उनसे दिल का हाल पूछिए, फिर उनका दर्द सहिए, फिर उनकी आंख के आंसू पूछिए, तब समझ में आता है वास्तव में आप वह इंसान है, नेक दिल इंसान है, वास्तव में आप उस देश के साथ हैं या उस देश के सैनिक परिवार के साथ हैं। वास्तव में आपने किया है, जो किया है वो उचित है, लेकिन यह प्रक्रिया आप इस तरह से करिए। आप अपना गुस्सा ट्विटर पे दिखाइए। जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी महानुभाव हैं, चाहे वह कैबिनेट स्तर के मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष को, सब पे ट्वीट करिए। लगातार ट्वीट करते रहिए, हर 10 दिन पे ट्वीट करते रहिए, हर 15 दिन पे ट्वीट करते रहिए, ताकि उन्हें ये सबक मिले। साथ ही साथ उन बड़े विकसित देश के, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आप जानते होंगे, अमेरिका के, फिर रसिया के, तो इन सभी बड़े बड़े देश के इनके ट्विटर अकाउंट पर लगातार ट्वीट करिए। हम 130 करोड़ हैं, हम 130 करोड़ हैं। अगर 30 करोड़ों ने भैया कमेंट करना शुरू किया, ट्वीट करना शुरू किया ना, फिर स्थिति बद से बदतर हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन इसके लिए एकता की जरूरत है। आपको पता है, शायद आपको यह भी नहीं पता होगा, चीन की सेनाएं, चीन की सीमा 13 देशों के साथ लगती है और सभी देशों के साथ उसका झगड़ा, उसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। ऐसा क्या रीजन है कि आज तक चाइना में एक भी इस तरह की बर्बरता नहीं हुई, एक भी शहीद, उनका सैनिक शहीद नहीं हुआ? क्यों? क्या ऐसा रीजन है? क्या सर जी ने भारत में आए दिन इससे घटना होती रहती है, क्यों हम अपनी सीमाओं से नहीं कर पाते? 30 किलो आरडीएफ इंडिया में कैसे पहुंचा? पहला प्रश्न उठता है, कैसे इंडिया देश के अंदर आया? बॉर्डर उस पर, पाकिस्तान बॉर्डर इस पर है। इसका मतलब है कि देश के अंदर आज भी जयचंद ऐसे हैं जो इस तरह की बर्बरता करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग आवेश में आकर किसी एक व्यक्ति के नाते पूरी तालाब को गंदा कर देते हैं। पता है, बहुत सारे लोग ने कहा कि भारतीय मुसलमान ऐसे नहीं, भैया आप गलत हैं। भारत के सब मुसलमान को ना बदनाम करिए। बहुत सारे हैं जो वतन के लिए मर मिटने के लिए अभी तैयार हैं, और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा, उन 42 के नाम खंगालिए, आपके आंख के पट्टे खुल जाएंगे। और कुछ चंद व्यक्तियों के नाते भी समाज को कलंकित नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति हो। इसलिए आप स्वयं से जगिए और अपना गुस्सा उस ट्विटर पे दिखाइए, चाहे उसे सत्ता पक्ष या विपक्ष को। आप खाली ये सोचिए, क्या ऐसा रीजन है कि चाइना में आज तक एक भी ऐसी बर्बरता क्यों नहीं हुई? आखिर चाइना में क्यों ऐसी हरकतें नहीं हुई? क्या चाइना की सीमाएं 13 देशों के साथ लगती हैं और 13 देशों के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, फिर भी ऐसी हरकतें क्यों नहीं होती? क्यों इंडिया के साथ आए दिन ऐसी हरकतें होती है? हर 15 दिन, हर 20 दिन बाद ऐसी घटना होती है, और फिर 20 दिन डीपी लगाते हैं, 2 दिन उसके बाद फिर हम भूले जाते हैं, फिर हरकतें होती हैं, फिर हम लगाते हैं, फिर कैंडल मार निकाले, फिर भूले जाते हैं। लेकिन इसको कैसे लगाम लगाएंगे? क्या लगाम लगाने का कोई तरीका नहीं है? क्या इसे नहीं रोका जा सकता? क्या इस बढ़ते दरमियान कम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें केवल यह ट्विटर पे सक्रिय, अगर वास्तव में आप फेसबुकिया हैं, वास्तव में व्हाट्सएपिया हैं, तो कभी ट्विटरिया हुई है, क्योंकि बड़े बड़े जो महानुभाव ट्विटर चलाते हैं, और साथ ही साथ चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष को एक साथ एक सुर में खड़े हो, और साथ साथ खड़े होंगे, तब जाके पता है लोकतंत्र में आपने बहुत सारी पढ़ी, अगर लोकतंत्र की कुछ कमियां भी हैं, आज वही बगल में आपने अमेरिका में सुना होगा आतंकवादी हमला, रसिया में सुना होगा अपने आतंकवादी, फ्रांस में सुना होगा, चीन में नहीं हुआ है, चीन में क्यों नहीं हुआ है? तो इस तरह से हमें भी कुछ ऐसा करना होगा। शायद आपको नहीं पता, इजराइल एक छोटा सा देश है, उसकी जो एक मोसाद, कभी सुनिएगा नेट पे सर्च करिए मोसाद क्या है, उसकी इतिहास उठा के पढ़िएगा, आपके आंख के पट्टे खुल जाएंगे। तो हमारे भारतीय सैनिकों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए अपनी वह सहानुभूति ट्विटर पे दिखाइए। ट्विटर पे चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे आप राहुल गांधी जी हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, अपने देश के बड़े देश, जिसको आप समझते हैं, जिसको सर्च करते हैं, जो आपके सामने मिले वह लगातार ट्वीट करते हैं। तब तक ट्वीट करिए, तब तक जब तक यह ज्वाला बुझने से पहले नई ज्वाला जागृत हो जाए, यह सोच लीजिए यह ज्वाला दोबारा नहीं जागृत होने, अब लगातार ट्वीट करिए। वह कब तक रिट्वीट नहीं करेंगे, कब तक पढ़ेंगे, कब तक उन्हें समझ में आएगा कि हम 130 करोड़ है और हर आदमी अपने हाथ में सेलफोन यूज करता है? तो आप ट्वीट कर दिए, और अगर ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस तरह से फैलाने से, डीपी चेंज करने से, डीपी बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शहीद के परिवार को, उस शहीद के परिवार को आप क्या दे देंगे? 2-4 दिन के लिए, उसके बाद उनका परिवार क्या होगा? कभी आपने किसी भी शहीद परिवार की मदद की? आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, सीधी सी बात है कि आपने क्या किया? तो मित्रवर, अगर आपको ये पूछना है तो आप कभी आइए, हम आपको बताते हैं कि क्या होती है। जरूरी नहीं है कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सेल्फी खींच के लगा देने से आप बहुत बड़े शुभचिंतक हो जाते हैं। मानता हूं मैं, आपने जो किया वो बेहतर है, और हर नागरिक को करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, और जब भी देश आह्वान करेगा हम
जरूर उसके साथ रहेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन हमें अगर शहीद के परिवार को वास्तव में शहादत देनी है तो हमें यह जंग लगातार लड़नी होगी, और किसी भी समस्या का त्वरित हल के लिए कोई युद्ध ही उसका अंतिम निर्णय नहीं होता। हम युद्ध करके हम अपने और सैनिकों को या और अपने आर्मी को हम किसी प्रकार को संकट में नहीं डाल सकते। हाँ, अब आप सब चाहे वो थल सेना अध्यक्ष हो, वायुसेना अध्यक्ष हो, यहां तक कि वायुसेना अध्यक्ष चाहे नौसेना अध्यक्ष, सबको ट्वीट करते रहिए, उनको याद दिलाते रहिए, ये घटना उन्हें लगातार याद दिलाते रहिए, ताकि उनके अंदर ये ज्वाला जगती रहे और वह इस ताक में रहे, इस इंतजार में रहे कब मौका मिले हम उनका जवाब दे। और जवाब देने के लिए सर मौके का इंतजार करना पड़ता है। अगर हम अचानक अनफानों कुछ गलत करते हैं तो और परिवार की आंखें और भर जाएंगी और हम और यह देश है कुछ और दिनों के लिए रोएगा। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब शहीद के परिवार को अगर शहादत देना चाहते हैं तो बस यह प्रयास करिए यह घटना दोबारा भविष्य में ना हो। इसलिए आप सभी लोग यह प्रयास करिए कि क्या एक इसका क्या हल हो सकता है। इसके हल के लिए आप सब सामने आइए और कभी किसी व्यक्ति, किसी समाज को, किसी जाति धर्म को लेकर कलंकित ना करें। बेशक क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं है। आप जाके उन शहीदों शहादत जिन्होंने दी है उनके नाम पढ़िएगा, बिहार के भी लोग हैं उनके नाम पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। रही बात, हम लोग 2-4 दिन के लिए एक्टिव रहते हैं और डीपी बदलवाते हैं। आपको पता है मैं जौनपुर जनपद से हूँ, जौनपुर जनपद में भी ठीक 14 फरवरी को ही शायद आपके पास न्यूज़पेपर कटिंग हो ना हो, मेरे पास पड़ी हुई है। और एक आशुतोष यादव जी थे जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए या देश के लिए हमें चैन से सोने देने के लिए अपने आप को नींद के आगोश में खो गए। क्या 2-4 दिन के लिए आप भी जाने होंगे, शायद आपने भी डीपी लगाई होगी, आपने भी डीपी बदली होगी, आपने भी शोक व्यक्त किया होगा। लेकिन आज क्या आपको पता है उनका परिवार कहाँ है, उनकी वाइफ कहाँ है, वो कैसी होंगी, किस हालत में होंगी, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है क्या? पता है क्योंकि हम अब त्वरित प्रतिक्रिया दे पाते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं, समय के साथ भूल जाते हैं। फिर शहादत की बात आती है, ठीक 14 फरवरी को हुआ था। शायद आपके पास पेपर कटिंग ना हो तो मेरे पास पेपर कटिंग है और शायद नेट पर सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा 14 फरवरी 2017। तो ये घटनाएं अगर आप वास्तव में रोकना चाहते हैं, यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसका कोई सलूशन निकालिए, क्योंकि इसका सलूशन त्वरित युद्ध नहीं है। त्वरित युद्ध करके हम अपने और सैनिकों को जान में दुख नहीं देते। शायद आपको एक बात और नहीं पता है कुछ लोग या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम इसका युद्ध ही जवाब नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। पता अगर आज हमारे सैनिक फिर चुप हो जाते हैं, आज हमारी सेना फिर चुप हो जाती है, पूरे विश्व में एक और संदेश जाएगा कि भारतीय सेना कायर है, उसे कितना भी कुचलो, कितना भी मारो, वो जवाब नहीं देती, वो सदैव शांति प्रिय है। इसलिए इसका उत्तर देने के लिए आप सब जितने भी महानुभाव, जितने का आप नाम जानते हो, जिस भी सत्ता पक्ष के हो, सबको ट्वीट करिए। कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ समय लगते हैं, जितना समय व्हाट्सएप पे टाइप करके डीपी बदलवाते हैं, डीपी 2 दिन के लिए बदलेंगे, फिर आपका जीवन सामान्य हो जाएगा। उनको ट्वीट करिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, अपने देश के हो, विदेश के हो, जिनको आपको समझ में आता है। हमारी संख्या 130 करोड़ है, 30 लाख तो करेंगे भैया, 13 लाख तो करिए ट्वीट, 13 लाख ट्वीट करिए, फिर स्थिति बदल जाएगी और फिर यह पाकिस्तान को एक देश भारत ही नहीं कितने देश लग जाएंगे। और रही बात चाइना की, तो जो चाइना कर रहा है वो हम आप देख रहे हैं, और किसकी क्या है, किस हिसाब से सारी घटनाएं घट रही हैं, जम्मू कश्मीर में कहां से पहुंचा, उस रास्ते तक कैसे पहुंचा, वास्तव में ये तो जांच का विषय है, NIA का है, लेकिन फिर भी ये एक भारत का नागरिक होने के नाते कभी आप भी सोचिएगा ये कहां से आ रही है, ये हरकतें किस प्रकार से हो रही है। जिन्हें आप जन्नत के दर्शन करा रहे, क्या बताइए कौन सा धर्म, कौन सा मजहब ऐसा है दुनिया का जो किसी की हत्या करना बताता है, कौन सा ऐसा मजहब है जो शांति को ठुकराता है। दुनिया का हर मजहब, हर धर्म शांति प्रिय, शांति की तरफ अग्रसर करता है। फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की बात करके उन नवयुवक, उन नौजवानों को जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको इस तरह की बातें उनके दिमाग में डाल रही है। इस बात को हमें निकालना, उनको निकाल के कुचलना होगा, तब जाके हमारे देश का कुछ हो पाएगा। ऐसे कीड़े को, ऐसे सुअरों को देश से बाहर करना होगा, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति के नाते पूरे समाज को उंगली उठा देते हैं, ये गलत है। क्योंकि ऐसा समाज, सारा समाज, सारी जातियां ऐसी नहीं है। कुछ धर्म के नाम पे हम जो टिप्पणी करते हैं ये भी निराधार है, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इसलिए आप लोग उन कीड़ों को, उन कमीनों को बाहर फेंकिए जो इस
तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो इस तरह के पनपा रहे हैं, जो इस तरह के पौधे उगा रहे हैं, उनको अब जड़ से निकाल फेंकिए। और ऐसे कीड़े हमारे देश में, हमारे आसपास, आपके भी आसपास होंगे, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, और उन्हीं की वजह से यह शहादत, ये लगातार शहादत मिलती है। यार सीमा के अंदर घुसेगा कोई कैसे? हमारी सीमाएं पे हमेशा सील है, पूरी तरह सैनिक चौकस है, फिर वो अंदर कैसे आते हैं? यार सैनिक भी इंसान होते हैं, वो भी हमारी आपकी तरह, तो उनको भी ठंडी लगती है, उनकी भी पलके झपकती हैं, माना कि उनके पलते झपकते ही आ जाते हैं, लेकिन इतनी देर जब तक उन्हें कोई अंदर का व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा, उनकी औकात नहीं कुछ ऐसा कर जाए। इसलिए आप सब इस तरह के स्नोबल चला, इस तरह कुछ करिए कि उन्हें जड़ से निकाला जाए। जब तक वो जड़ से नहीं निकलेंगे तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। लगातार आप डीपीए बदलते रहेंगे, भगवान ना करे ऐसा, लगातार वो इस तरह हरकतें करेंगे, शहादत हमें मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं शहादत वास्तव में खत्म हो, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए, ताकि लोग कहते हैं ना, अगर पैर में कहीं चोट लग गई है, जब तक कण रहता है तब तक कड़कता रहता है, जब कण निकल जाता है शांति, हमें उस कण को निकाल कर फेंकना है जो हमारे देश को खोखला कर रही है, जो इस तरह के आए दिन हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो इस समय, भगवान करे उनको किस तरह की बुद्धि दिया है, फर्जी बैंक अकाउंट वायरल कर दिए हैं, जिससे हम आप गलती करके उनके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए आप पुष्टि कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे फर्जी जो मैसेज वायरल हो रहे हैं उनको आप रोकिएगा, अफवाहों को रोकने में लगाम लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं वास्तव में शहीद के शहादत को करना, तो आप ये शपथ लीजिएगा कि आप यह बातें पूरे जीवन काल नहीं भूलेंगे। हर 14 फरवरी को के साथ साथ क्या, हर 14 तारीख को, जब जब 14 आएगा तब तक आप एक अभियान छेड़ेंगे, हर बार जब तक दिल को रेदेगी, हर 14 तारीख को जब ट्वीट होगा, जब ट्वीट अभियान चलेगी ना, तब दिल को देगा, तब जाके यह समझ में आएगा कि वास्तव में देश को बदलना है। क्योंकि यह यादें तब तक ताजा रहेंगी, तब तक हमारे अंदर जज्बा जागृत रहेगा, जब तक जज्बा रहेगा तब तक आप कुछ कर सकते हैं। और इसलिए या जो डीपी चलाने का प्रचलन है, या जो हमारे यहाँ डीपी बदलने के साथ साथ जो राष्ट्रीय शोक की बात करते हैं, यह यादगार उस लम्हे में लिखा जाए, हर 14 तारीख को, हर 30 तारीख को, हर 15 दिन पे आप इस तरह के शोक सभा करें, इस तरह के कैंडल मार्च निकालें, इस तरह के डीपी बदलने का अभियान चलाएं, तो शायद यह जड़ से निकलने में सफल हो जाए। क्योंकि हम एक बार के बाद शहादत भूल जाते हैं, जब तक अगली शहादत हमें ना मिले फिर हम उठ जाते हैं। मतलब हम वो इंसान है कि चोट लगने के बाद चलाते हैं, जैसे चोट के दर्द खत्म होता फिर शांति से सोते हैं, फिर चोट लगी फिर चलाते हैं। अगर इस तरह करते रहेंगे, चोट करने वाला लगातार चोटिल करता रहेगा। इसलिए आप सबको, हम सबको जगना है, और जगने के साथ साथ उन्हें तब तक रुलाना है, उस व्यक्ति को तब तक बाहर करना है, जब तक यह समझ में ना जाए कि अब देश सुरक्षित है। इसलिए आप सब जो कर रहे हैं, यह अभियान लगातार जारी रखिएगा, यह तब तक करते रहिएगा जब तक हमारी भारतीय सेना गर्व साथ न कह दे अब हम सुरक्षित है और आप सुरक्षित है। सेनाएं वो भी किसी के माँ के लाल होते हैं, हम भी, आप भी और वो भी। और आज भी भारत का प्रत्येक नौजवान का एक सपना होता है कि मैं सेना में जाऊंगा, और आज भी वो कितनी भी गोलियां चलाए, और हर नौजवान के दिल से आवाज निकलती है कि काश मुझे भी मौका मिले, मैं भी जाऊंगा और एक के बदले 1000 को छलनी करके आऊंगा। तो ये जज्बा, ये भारतीय सैनिकों की, ये भारतीय नागरिकों की वह पहचान है जिसे आज के कई दशक पहले उन प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध में एक इबादत रच थी, जिसे लोगों ने कहा था अगर मुझे भारतीय सैनिक मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया में पता कर सकता हूँ ये भारतीय सैनिक है। और वह भारतीय सैनिक हम आप नागरिकों में से ही जाते हैं। तो मुझे गर्व है, मुझे आप पे भी गर्व है, और हम जैसे नागरिकों पे गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। मुझे इस बात का पूरी तरह से गर्व है, और इस बात से हमें और हमारे समाज को आगे आना चाहिए, और यह बात को आज ही नहीं भूलना चाहिए। इस बात को हमें लगातार प्रत्येक 14 तारीख को याद रखना चाहिए, और कहीं न कहीं इजराइल के मोसाद की तरह हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो, चाहे वो राह हो चाहे आईबी हो, उस तरह से करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप उनके आईबी चीफ, राह चीफ को लगातार ट्वीट करते रहिए, ताकि उनकी भी आत्मा कुरे दे और वह लगातार करे। और एक बात और, इस समय हमारी आईबी और राह तत्काल में सक्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो भी विरोधी हैं, जो भी इस तरह की हरकतें करना है, वो भी सक्रिय हैं। तो हम नहीं चाहते हमारे किसी भी और
सैनिक की शहादत को अब हम स्वीकार करें। अब हमें जवाब देना है, लेकिन इस जवाब के लिए आप भी एक अच्छी रणनीति बनाइएगा और सेना के उन सभी आला अधिकारियों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और आपके दिमाग सबका दिमाग सोचने का अलग अलग तरीका होता, हो सकता है आप कुछ बेहतर सोचे और वह सलाह आपकी आपकी ट्विटर द्वारा उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप ही जानते रहेगा हमारे आपके बीच आज भी जयचंद है। इसलिए हमारे मैसेज को, आपके मैसेज को, हमारी बातों को, हमारी हर चीज को वह जयचंद तक पहुंचता है। इसलिए आप सभी लोग अगर इस तरह के कुछ कोई बातें हो तो आप पीएमओ के, आपको एड्रेस होगा नहीं एड्रेस होगा तो हम आपको पीएमओ का एड्रेस दे देंगे, आप पत्र लिख के वो सारी सूचनाएं उन तक पहुंचा दीजिए या ऐसी बातें जो आप सजेशन करना चाहते, हो सकता है आपका एक सुझाव इस देश के सैनिकों को आगे शहादत से रोक सके। इसलिए आप अपना गुस्सा छोड़कर एक एक सुझाव बेहतर सुझाव लिखिए कि किस तरह से उन कुत्तों को बाहर किया जा सकता है, उन कुत्तों को चिन्हित किया जा सकता है, उन कुत्तों को मारा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे है जयचंद, क्योंकि बिना उनके 30 किलो आइडेक्स देश के अंदर नहीं आ सकती। और देश के अंदर पहुंची कैसे और वहां तक कैसे पहुंची, यह भी एक सोचने विषय है। और यह हरकतें आए दिन होती रहती है, शायद एक घाव पूछता नहीं दूसरा घाव उधर जाता, एक घाव पूछता नहीं दूसरा घाव उधर जाता, और हम अब कुछ दिन के लिए एक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर भूले जाते हैं। इसलिए आप सभी अपना सुझाव, मैंने भी सुझाव लिए है, लेकिन मैं अपने सुझाव पीएमओ को जरूर भेजूंगा, ये ट्वीट करके नहीं बता पाऊंगा, इसलिए क्योंकि हो सकता है ये सुझाव उन सभी विरोधियों तक पहुंच जाए। इसलिए मैं अपने जो सुझाव है मैं लेटर द्वारा गृह मंत्रालय, पीएमओ ऑफिस और जितनी भी थल सेना, जल सेना, वायुसेना अध्यक्ष उन तक, राज चीफ, आईबी चीफ, उन तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप एक एक सुझाव जो आपके दिल में आए, जो आपको लगता है यह सुझाव बेहतर है, लेकिन ठंडे दिमाग से, क्योंकि कुछ कामें ऐसी होती हैं शतरंज की, ये विषादे हैं, हम उस तरह से चलेंगे कि हमारा एक भी सैनिक को खरोच तक ना आए और हम उन्हें निस्ते नाबूद कर दे। इस तरह का कुछ आप भी चक्र रचिए और वह चक्र उन तक पहुंचाइए, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं और भारतीय होने का आपको गर्व है, और हम जानते हैं भारतीयों को लोहा पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व मानता है। इस समय आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सैनिकों को, परिवार को तोहफा देना चाहते हैं, शहादत को आप नमन करना चाहते हैं, तो एक बात और है, उस शहादत को, उस शहीदी को रोकना होगा। और उन सभी, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा शहीद की पत्नी को क्या कहते हैं, तो शहीद की पत्नी को एक अच्छे शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वीर नारी, लेकिन हम आप एक ऐसे कुटिल शब्द का प्रयोग करते हैं कि शायद वो शब्द सुनकर, और शब्द ही ऐसा है जिससे न चाहते हुए आंखें भर आए। अगर आपको कहना है तो वीर रानी शब्द का प्रयोग करें, ताकि उसके भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाए और वो भी इस बात को स्वीकार करे कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, और गर्व से एक खुले मंच पर खड़े होकर कहे कि मुझे गर्व है कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। इसलिए आप सब उस समाज का हिस्सा है, समाज में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, शहीद के बच्चे को, शहीद की वाइफ को एक वो दर्जा दीजिए, शहीद की माता को वो दर्जा दीजिए, ताकि उनको गर्व हो और वो गर्व से, फख्र से कह सके मैं भी वर्दी पहनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और छेदे कितनी गोलियां छेदेंगे, कब तक, जब तक उनकी नली खाली नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन हमारा प्यादा चलेगा ना, उस दिन हम उसे निस्ते नाबूद कर देंगे। इसलिए आप सभी लोग एक बेहतर सुझाव, जो सुझाव आपके दिल में आए, आज, कल, परसों, नरसों सोच के लिखेगा, और बहुत सारी बातों को सोच के, क्योंकि वहां पे 370 है, 370 के बाद उसके पहले बहुत सारे रूल है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मिला के कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट को होती है, आप खंगालिएगा और संवैधानिक रूप से हर एक तरह से सोचिएगा कि उन प्यादों को कैसे बाहर निकालना, किस तरह से कोहरा फेंकना है, किस तरह प्यादे बाहर आएंगे, ताकि आप एक एक को रिश्ते नाबूद कर सके। आप अपने सुझाव जरूर पहुंचाइएगा, जरूर पहुंचाइएगा। और मैं ऐसा करता हूं कि आप ये काम जरूर करेंगे, अपने सुझाव इन सब तक जरूर पहुंचाएंगे, और आपका सुझाव हो सकता है मुझसे भी बेहतर, औरों से बेहतर हो, तो आप आगामी होने वाला ऐसा कुछ ना हो, ताकि यह आखिरी शहादत हो, इसके बाद की शहादत वो मनाए और हम फख्र से कहे आई एम प्राउड बी आई एम इंडियन, मुझे गर्व है एक भारतीय होने का। तो आप भी अपने सुझाव उन तक जरूर पहुंचाइएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं, शहीद के परिवार को जब हमें मिले हमेशा आप उन्हें याद करिएगा। और हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि प्रत्येक 14 फरवरी के साथ साथ हम प्रत्येक 14 तारीख को इस देश को, इस मलहम को कुदेरते रहेंगे, और हम आपके उस लहू को लगातार उबालते रहेंगे, ताकि हमारे लहू की उबाल की जो ज्वाला निकलेगी ना, वो उन तक पहुंचे, ताकि वो अपने आप को, क्या बताएं, हम, मेरे पास शब्द नहीं है,
क्योंकि इस समय मैं आपके सामने हूँ और यह सच किसी के पास जाएगा मैं नहीं कह सकता, वरना मैं बताता क्या चीजें हैं। फिर भी आप सभी से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजें, जरूर पहुंचाएं, आपका सुझाव हो सकता है इस शहादत पे लगाम लगा सके, क्योंकि आपको पूरी दुनिया को और हमें भी फक्र है। और सबसे ज्यादा फक्र ये होता है कि आज भी इस हरकत के बाद हर नौजवान यह गर्व से कहता है कि मुझे वर्दी दो, मैं जाके छेद के आऊंगा पाकिस्तान को। तो इसलिए उस नौजवान को भी मैं सलाम करता हूँ, उसे सल्यूट करता हूँ। और जब हम सोते हैं तो जो पैरों की आहट सुनाई देती है, वास्तव में वह नौजवान होते हैं जिनको फक्र होता है कि देश के लिए तिरंगे में लपेटने का। तो वो खुशनसीब हैं जिन्हें तिरंगा नसीब होता है। और हम उन शहीद के उन परिवारों को तहे दिल से कहते हैं कि आपको गर्व होना चाहिए, आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई देश के लिए कुछ कर गया और कुछ ऐसा करके गया जिसके सामने देश का वह मुखिया अपना सर झुकाता है। हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि आप उस परिवार से हैं जिसके सामने देश का मुखिया प्रधानमंत्री अपना शीश नवाजता है, शीश झुकाता है। शायद ऐसी कोई ताकत नहीं, कोई हस्ती नहीं जो झुका सके, लेकिन वो हस्ती है हमारे जवानों में, हमारे सेनाओं के अंदर, वो जिसके लिए प्रधानमंत्री तक को झुका दिया। तो आप भी झुकिए और कुछ भी करिए, शांति ढंग से करिए और कुछ बेहतर करिए, इस तरह से करिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे। इसलिए मुझे भी उन शहीद परिवारों के लिए मैं तो वास्तव में जो करना है वो मैं करूंगा, क्योंकि हर चीजें मैं आपको बता के नहीं कर सकता, क्योंकि बता के करना से मतलब है क्या, आपने क्या किया। तो आप भी बताइएगा मत, जो भी करना होगा करिएगा। और ये प्रत्येक 14 तारीख को हम इस शहादत के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रत्येक 14 तारीख को, चाहे महीने की कोई भी दिन हो, कौन सा वार हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रत्येक 14 को इस शहादत दिवस के रूप में हम लोग स्वीकार करेंगे। आप अगर इसे सहमत है तो आप जरूर बताइएगा और हम ये प्रयास करेंगे कि यह दिवस के रूप में हम मनाएंगे। इसलिए इस बात को आप लोग जागृत रखिएगा। और शायद हो सकता है बहुत सारे लोग को मेरी बातें बुरी लगी हो, तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन देश की बात जब आएगी तो मैं अपने आप से भी समझौता नहीं कर सकता। फिर भी आप सभी देशवासियों को, आपने जो किया गर्व है, मुझे भी गर्व है। आप ये चीजें लगातार करते रहे और शहीद के परिवार को शहादत अगर देना चाहते हैं, वास्तव उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, तो वो मदद जब उनसे मिले, जब आपको याद आए, तब उनकी मदद करिएगा। आप देखिएगा बड़ा अच्छा फील होता है। और शायद, और अगर शहीद की पत्नी मिल जाए तो उसे वीर रानी कहिएगा, क्योंकि ये शब्द सुन के शायद उसका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा, वो फख्र से कहेगी मैं शहीद की पत्नी हूँ। और लेकिन कुछ कुटिल मानसिकता के लोग कुछ इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे मुझे भी कहने में भी शर्म और संकोच आती है। इसलिए अगर आपको शब्द का प्रयोग करना है तो वीर रानी शब्द का प्रयोग करिएगा, सुन के देखिएगा कितने अच्छे शब्द हैं। वीर रानी कहने का मतलब एक शहीद की पत्नी को एक दर्जा भारतीय सरकार, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। और तो आप भी फख्र से कहिएगा, और आप भी अगर आप शहीद की पत्नी है तो फख्र से इस बात को स्वीकार करिएगा, क्योंकि आपको गर्व होगा कि आपके पति, आपके भाई, आपके बेटा, आपका भाई को तिरंगा नसीब हुआ। और सोचिए तिरंगा किसको नसीब नहीं होता, लोग मरते हैं इस बात के लिए, काश तिरंगा मिले, तो कहीं ना कहीं आप खुश नसीब हैं। तो लेकिन ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं आपको ढाढ़स बता सकूँ, लेकिन वास्तविकता ये है आपने वो खोया है जिसकी पूर्ति पूरा विश्व, पूरा देश कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी आप सभी को, आप सभी शहीद परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी झेलने की ताकतें ईश्वर प्रदान करे। और क्योंकि और कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपके लिए कुछ कह सकूं, हाँ मैं प्रयास करूंगा आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए, और मैं जरूर कुछ बेहतर करूंगा, क्योंकि मुझे तो तिरंगा नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है मैं आपके लिए कुछ बेहतर करूँ ताकि मेरी आत्मा संतुष्टि मिले, तो कि मुझे भी गर्व होगा साथ मुझे तिरंगा मिले। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मुझे तिरंगा मिले, लेकिन हाँ अगर आपके परिवार को मिला है तो ये फक्र की बात है। आप जब भी तिरंगा देखेंगे, जब वो दिन आएगा, तो आप खुशी से आंसू झलकाइएगा, न कि गम के आंखों आंसू, क्योंकि यह खुश नसीबों का नसीब होता है, उन कुत्तों के पिल्लों का नसीब नहीं होगा जिन्होंने जिहाद, जिन्होंने जन्नत के नाम पे ऐसी हरकतें की हैं, ये उन्हीं को नसीब होगा जो खुश नसीब होंगे। फिर भी आप सभी साथियों को बस अंतिम विनती, आप अपने सुझाव अपने ट्विटर से ट्वीट करके लगातार सरकार के नेता पक्ष, विपक्ष पक्ष को खुदेड़ते रहिए, ताकि ये घाव जब तक पूजे तब तक हम ऐसा कुछ कर सके ताकि वो सोच ना सके ऐसी हरकतें के बारे में कभी।
फिर भी मुझे फक्र है एक भारतीय होने का। जय हिंद, जय भारत।